फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बाल विकास की शैशवावस्था को। इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास की बाल्यावस्था और किशोरावस्था को। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले मुझे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पूरी साइकोलॉजी, ये टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस और टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ के पूरे नोट्स, साथ साथ एनसीईआरटी के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए हम देखते हैं। तो बाल्यावस्था, जैसे हमने कल शैशवावस्था पढ़ लिया था, देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है 5 से 6 से लेके 12 वर्ष तक अवस्था होती है। इस अवस्था में शैशवावस्था की अपेक्षा गति मंद हो जाती है। जैसा कि हमने कल देखा था कि शैशवावस्था में क्या होती है, बच्चों की गति जो होती है बहुत ही तेज होती है। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर क्या होती है, नेता बनने की इच्छा जागृत हो जाती है। क्या करता है, वो टीम को लीड करना चाहता है, उसका नेतृत्व करना चाहता है। इसलिए इस अवस्था को कहते हैं गैंग एज भी कहते हैं। और इसके बाल्यावस्था के लिए मतलब कथन देखते हैं। कॉलोब्रुस ने कहा है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, ठीक है। और उसके साथ कहते हैं कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझ पाना कठिन है। मतलब पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा कठिन जो अवस्था होती है बच्चों के लिए वो होती है बाल व्यवस्था। बच्चों जो पेरेंट्स होते हैं समझ नहीं पाते कि बच्चा इस उम्र में चाहता क्या है, उसे कैसे डील किया जाए। तो सबसे कठिन अवस्था होती है जो माता पिता के लिए वो होती है बाल्यावस्था। रॉस ने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का या छद्म काल कहा जाता है। बच्चा क्या करता है, इसमें अपने आप को मैच्योर शो करना चाहता है, लेकिन चूंकि उसकी उम्र क्या होती है, वो मैच्योर होता नहीं, लेकिन बार बार क्या करता है, अपने आप को परिपक्व यानी मैच्योर दिखाने की कोशिश करता है। किलपैट्रिक कहते हैं बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है, ठीक है। इसमें क्या होती है, कंपटीशन की भावना होती है। बच्चा क्या करता है, दूसरे बच्चे को कंपटीशन देने की कोशिश करता है या उससे प्रतियोगिता करता है, इसलिए उसके प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा गया है। स्ट्रेक शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल पाए। स्ट्रेक का मानना है कि अगर 10 वर्ष की अवस्था तक के बच्चे को कोई भी खेल खिलाया जाए या सिखाया जाए तो वो खेल खेल सकता है, उसे सीख सकता है। टोनी ब्लेयर और सिम्पसन कहते हैं बाल्यावस्था शैक्षणिक विकास की दृष्टि से जीवन की उत्तम अवस्था है। मतलब पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है, उत्तम अवस्था, तो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अन्य नाम है खेल की आयु, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं बाल्यावस्था को, तो है खेल की आयु, संवयस्क समूह की आयु, ठीक है, वैचारिक क्रियावस्था, विद्यालय की आयु आदि नामों से हम इन्हें जानते हैं। अब देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषता है क्या है। तो सामाजिकता का विकास, बच्चे के अंदर क्या होता है कि इस उम्र में धीरे धीरे सामाजिकता का विकास होने लगता है। नैतिकता का विकास, जब सामाजिकता आ गई, वो समाज जीने लगता है, तो उसके अंदर क्या होती है, नैतिकता की भावना भी पनपने लगती है। सृजनात्मकता का विकास, उसके अंदर क्या होती है, धीरे धीरे क्रिएटिविटी भी आने लगती है, ठीक है। हमने देखा था कि शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में बच्चा क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व उसका होने लगता है। मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है, दूसरे के सामने प्रदर्शित अपने व्यवहार को करने लगता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि, जो उसका मेंटल एबिलिटी है बच्चे की, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जिज्ञासा की प्रबलता, बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे जानने की कोशिश करने लगता है, उसके अंदर जानने की क्षमता बढ़ जाती है। समूह भावना का विकास, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि एक टीम को लीड करने का और टीम के साथ काम करने की भावना का भी विकास हो जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपने लिए या अपने फैमिली के लिए इकट्ठा करना भी शुरू कर देता है। रुचि में परिवर्तन, शैशवावस्था की रुचि जो होती है उससे क्या होता है, बाल्यावस्था की रुचि में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन, देखा था हमने शैशवावस्था में कि बच्चा क्या करता है, वो अपने संवेगों का खुल के प्रदर्शन करता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, बच्चे अपने संवेगों को दबाते भी हैं और कभी समय मिलने पर उसे दिखाते भी हैं। समलैंगिकता की भावना, बच्चे के अंदर क्या होती है, समूह में समलैंगिकता की भावना जागृत, मतलब समान लिंग के प्रति क्या होता है, वो आकर्षित होता है। काम प्रवृत्ति की भावना में कमी, शैशवावस्था में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर काम प्रवृत्ति की भावना ज़्यादा होती है, लेकिन इस उम्र में क्या होता है, उसके अंदर काम प्रवृत्ति की भावना धीरे धीरे कम होने लगती है, मतलब उसकी अपेक्षा कम हो जाती है। हमने दो अवस्थाओं को देख लिया, अब हम देखते हैं तीसरी अवस्था को, जिस अवस्था का नाम है किशोरावस्था। हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था को देख लिया। तो किशोरावस्था जो है वो होती है बाल्यावस्था तथा
पूर्णावस्था के बीच का समय होता है, इसलिए इसे हम संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड वाला एज भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें जो काम किया वो किया स्टेनले हॉल ने, इसीलिए इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस, जिसमें इन्होंने किशोर मनोविज्ञान के बारे में बातें की हैं। किशोरावस्था जो एज होती है वो होती है 13 से 18 वर्ष, कुछ लोग 19 वर्ष ही मानते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस, जो कि एडोलिसियर वर्ड से बना हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है परिपक्वता का सिद्धांत, मतलब मैच्योरिटी की सिद्धांत बोलते हैं, जिसमें बच्चा मैच्योर होना शुरू हो जाता है। किशोरावस्था के उपनाम, किशोरावस्था को मन की नामों जानते हैं हम, इसको देखेंगे तो स्टेनले हॉल ने इसे तूफानों की अवस्था कहा है। किलपैट्रिक बोलते हैं जीवन का सबसे कठिन काल जो है वो किशोरावस्था है, और टीनेज कहते हैं कि ये जीवन का वसंत काल है। और फिर स्टेनले हॉल ने एक और कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान का काल है। किशोर वर्तमान की शक्ति तथा भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है, कहा है क्रो ने। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनर्वृद्धि काल, मतलब क्या करता है, ये अपने आप को शैशवावस्था को फिर से दोहराने की कोशिश करता है। मतलब बच्चे के अंदर एक जिद आ जाती है, एक अड़ियलपना आ जाता है, तो वो क्या करता है, मतलब शैशवावस्था को फिर से दोहराता है। किशोरावस्था के अन्य कौन से नाम हम देख लेते हैं, तो उन्हें किशोरावस्था को जानते हैं टीन एज के नाम से, जीवन का बसंत काल के नाम जानते हैं, जीवन में पहचान की अवस्था के नाम से जानते हैं, जीवन का स्वर्णिम काल के नाम जानते हैं, जीवन का कठिन काल के नाम जानते हैं, और रोजगार चुनने की अवस्था के नाम से हम जानते हैं। किशोरावस्था के अब जानने सिद्धांत कितने, किशोरावस्था में विकास के जो हैं वो दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत, और दूसरा है क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है स्टेनले हॉल ने। इसमें क्या होता है, इसमें परिवर्तन अचानक एवं तीव्र गति से होता है। दूसरा है क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया है थंडाइक, हाउंग और वर्किंग ने। इसमें कहते हैं कि जो परिवर्तन होता है वो धीमी गति से और लगातार चलता रहता है, मतलब वो परिवर्तन एकाएक नहीं होता, वस्तु तो क्या होता है, वो धीमी गति से और लगातार चलता रहता है। कहते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं को, ठीक है, तो बिगेवर और जो हंडर हफ्ट ने कहा है कि किशोरावस्थाओं को अगर आपको व्यक्त करना है तो हम उसको करेंगे केवल एक शब्द में, वो शब्द होगा परिवर्तन। मतलब ये अवस्था जो होती है वो बदलाव की अवस्था, उसमें बहुत कुछ इसमें बदलाव होता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या होती है इस अवस्था में होती है समायोजन की। बच्चा क्या होता है, समाज के साथ या अपनी फैमिली के साथ या जिस वातावरण रहता है उसको एडजस्ट करने में, समायोजित होने में बहुत ही समस्या आती है। तो इसमें शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को क्या करे, वो व्यक्तिगत निर्देशन, मतलब पर्सनली क्या करे, उसको गाइड करे और उसकी काउंसलिंग करे। अब किशोरावस्था की विशेषताएँ जान लेते हैं। इसमें सर्वांगीण विकास होता है, बच्चे का विकास क्या होता है वो पूर्ण रूप से इसमें हो जाता है। लगभग वो किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या बनेगा, कैसा उसका चरित्र होगा, ये लगभग इसमें निर्धारित हो जाता है। शारीरिक परिवर्तन की गति, बच्चे का जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो इसमें बहुत ही तेज़ी से होता है। संवेगात्मक परिवर्तन की गति तेज, बच्चे का इमोशन इम्बैलेंस और बैलेंस क्या होता है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है, मतलब संवेगों में क्या होता है बहुत ही तेज़ी से बदलाव होता है। अहम की भावना, बच्चे के अंदर क्या होता है, अहंकार की भावना, अहंकार की भावना बहुत ही ज़्यादा होती है। आस्तिक नास्तिक विचारधारा, बच्चा जैसे वातावरण में रहता है अगर वो पॉजिटिव वातावरण में है तो उसको उसके अंदर आस्तिकता की भावना पनपेगी, या अगर वो नेगेटिव वातावरण रहता है तो उसके अंदर नास्तिकता की विचारधारा पनपेगी। ठीक है, अगला है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। इस उम्र में बच्चे के अंदर क्या होता है, विपरीत लिंग की भावना भी पनपने लगती है, मतलब एक दूसरे के लड़का लड़की के प्रति और लड़की लड़के के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं। रोजगार चुनने की समस्या, बहुत से बच्चे क्या होते हैं इस उम्र में कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो उनके सामने बहुत बड़ी ये समस्या होती है। उसके लिए क्या करना चाहिए, उन्हें पर्सनली काउंसलिंग और उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए। आदर्श निर्धारण की अवस्था, इसमें क्या होता है, बच्चा किसी को अपना हीरो चुनता है, किसी को अपना आइडियल मानता है, उसी को क्या करता है फॉलो मान के वैसा ही काम करना शुरू करता है। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, बच्चा इसमें क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है, अपने आप को फ्रीडम दिलाना चाहता है, फ्रीडम पाना चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, उसके अंदर एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। देश प्रेम देशद्रोह, अगर उसे देश के बारे में अगर अच्छी शिक्षा मिलती है तो क्या होता है, उसके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होती है। और गलत प्रकार की शिक्षा मिलती है तो क्या होता है, वो देशद्रोही भी बन जाता है।
आत्मप्रेम, बच्चे के अंदर क्या होता है इस उम्र में आत्मप्रेम की भावना बहुत ही ज़्यादा होती है, वो खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। दोस्तों अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि तीनों अवस्थाओं में बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वो कैसे होता है, उन सारी शारीरिक अवस्थाओं को कल हम देखेंगे। तो ये था हमारा तीनों अवस्थाओं जिसके बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ आपका सलाह हो तो आप सलाह भी हमें ज़रूर दें। दोस्तों अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।